हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मखाना का सब्जी। जब कोई भी सब्जी ना हो तो ये सब्जी हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये सब्जी बनाने के लिए मिक्सर ग्राइंडर में 2 कटे हुए टमाटर, 1 फ्रेश नारियल का टुकड़ा, 1 अदरक का टुकड़ा, 4 लहसुन का कलिया, 4 काली मिरी, 4 इलायची, दालचीनी, 4 लवंग, 8 काजू, 2 बड़ी चम्मच दही डालकर अच्छे से पीस लेगा। अब तेल गरम करके एक कटोरी मखाना डालकर लो फ्लेम पे मखाना क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेगा। ये फ्राई होने में 2-3 मिनट लग सकता है। क्रिस्पी होने के बाद अलग प्लेट में निकल कर फिर से तेल गरम करके 1 तेज पत्ता, 1 कटा हुआ प्याज, 1 कटोरी हरा प्याज अच्छे से मिक्स करके 2-3 मिनट फ्राई करेगा। आधा छोटी चम्मच राई, आधा छोटी चम्मच जीरा, 3 काटे हुए हरी मिर्च अच्छे से मिक्स करके 2-3 मिनट फ्राई करेगा। आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच नमक, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेगा। अच्छे से मिक्स करके और पिसा हुआ पेस्ट डालकर अच्छे से मिलाकर 2 मिनट पका लेगा। दो मिनट के बाद 1 गिलास पानी डालकर अच्छे से मिला लेगा। 5 मिनट पका कर
मखाना डालकर अच्छे से मिलाकर लो गैस पे ढक के 5 मिनट पका लेगा। 5 मिनट के बाद हरा धनिया डालकर अच्छे से मिला लेगा। 2 मिनट पका कर गैस बंद कर लेगा और हमारा सब्जी बनके तैयार है। इस सब्जी को रोटी और चावल के साथ मजा से खा सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो में फिर मिलते हैं।